की वीडियो के अंदर आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज भी हमारी कोरा सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड है और जो थ्रेड है वो है हाउ आर इमिग्रेंट्स ट्रीटेड इन जर्मनी। इस थ्रेड के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो आप पहले ये वीडियो देख लें और उसके बाद वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। इसमें जो मैंने कॉमेंट पिक किया है वो आप इसका कह लें कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट व्यूड कॉमेंट है कोरा के ऊपर, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है, और जिसने ये कमेंट दिए वो उनका ताल्लुक टर्की से, और इसमें उन्होंने मोस्टली अच्छी ही बातें की हैं। मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुना देता हूँ जो उन्होंने प्लस पॉइंट्स दिए हैं, और जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है वो उन्होंने बेसिकली दो पॉइंट्स पे किए। उसमें से हम जो इमिग्रेंट्स वाला पॉइंट है, जो अदर इमिग्रेंट्स वाला पॉइंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल से। तो पहले मैं आप लोगों को उनकी अच्छी बातें बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है उनके बारे में कि आई वॉज इन अंसबाख न्यूमबैक ये सिटीज इन बायर्न फॉर 6 months एंड इन स्टुटगार्ट बाडन वुर्टेनबर्ग फॉर 5 months एट लास्ट ईयर एज अ टर्किश एक्सचेंज इंजीनियरिंग स्टूडेंट / इंटर्न इन अ जर्मन इंडस्ट्री जायंट। सो वो उन्होंने जर्मन एक इंडस्ट्री में काम भी किया हुआ और वो यहाँ पे स्टूडेंट भी रहे हैं। आई कैन ऑल्सो स्पीक जर्मन एंड इंग्लिश एज वेल। Baden-Württemberg and Bayern are one of the most conservative regions in Germany, and in both of these states, mostly conservative Christian Democrats, CDU, CSU, were nominated in parliament. So, ये post जो है थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा बदला नहीं है। यही parties जो है आप इनको more or less देख सकते हैं आजकल भी in those states के अंदर, especially Bavaria के अंदर। लेकिन खैर, anyhow, ये video का point नहीं है, ये वो एक पूरा backdrop बता रहे हैं कि उस वक्त क्या वहाँ पर चल रहा था। पहला उन्होंने पॉइंट ये दिया है कि 98% ऑफ यंग पीपल आर वेरी फ्रेंडली एंड दे हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल, दे लुक सो वार्म एंड ऑलवेज ट्रीट यू लाइक देयर बेस्ट गेस्ट। सो अच्छी बात है, गुड, यंग पीपल जर्मनी में जो है वो बहुत फ्रेंडली हैं, ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि दे आर रियली सरप्राइज्ड व्हेन दे रियलाइज दैट आई लिव एंड लुक लाइक अ यूरोपियन, लिव and look like a European, point to be noted, like most of my friends in Istanbul. So, usne, achha, pehle isko pura padh leta hu. They are also surprised when they see I'm well educated and I can also speak German well. This means they mostly believe the stereotypes about immigrants. In my case, about Turkish guest workers. So, at first, you may need to break these stereotypes. Bahut sahi kaha isne is point mein, kyunki Turkish ka ye hai, kyunki Germany mein sabse badi ki majority immigrants ki. To, टर्किश जो गेस्ट वर्कर्स हैं वो 1961 से 1973 के दरमियान बहुत सारे ज़्यादा तादाद में जर्मनी के अंदर आए थे, और बहुत सारे की एक्चुअली एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी नहीं हुई थी। आई थिंक 1.2 1.3 मिलियन ने फाइल की थी, और उनमें से फिर 6 या 7 लाख थे उस वक्त जो आए थे। प्रॉब्ली शायद ये एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन मैंने इसको चेक नहीं किया इस नंबर को। तो क्योंकि वो फिर जर्मनी में उनके बारे में ये इमेज बना हुआ है कि जो टर्किश इमिग्रेंट्स हैं वो प्रॉब्ली इतने एजुकेटेड नहीं हैं, और वो सारे वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं। तो उसने कहा कि ये स्टीरियोटाइप बड़ी स्ट्रांग थी, और इसलिए वो हैरान हो जाते थे कि मैं जर्मन भी बोलता था, मैं यूरोपियन की तरह रहता था, दिखता भी था, लेकिन वो फिर भी हैरान हो जाते थे कि यार तुम कैसे ये हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो ऐसे देखे नहीं है टर्किश पहले। फिर उसने कहा कि जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे ट्रीट यू लाइक अ नॉर्मल सिटीजन, दे हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। ये भी अच्छा उसने पॉइंट पेश किए। उसके बाद जो है ना वो आते हैं दो जबरदस्त पॉइंट, जिसमें से एक को हम डिटेल में जाएंगे। एक उसने पॉइंट दिया है इमिग्रेशन ऑफिसर्स के ऊपर, मगर मैं बाद में उसके ऊपर बात करूंगा एंड में बिल्कुल, कि वो क्या पॉइंट है, और फिर डिटेल में अगली वीडियो के ऊपर जाएंगे। जो मेन पॉइंट उसने दिया है, जो क्रिटिसिज्म का पॉइंट दिया, वो ये वाला है, other immigrants, number fifth point, other immigrants may not love you that much, even the Turks don't like other Turks either, also most of the immigrants think that they are unsuccessful / unemployed etc because they are immigrants not native Germans. Okay yaar, isme yahan pe wo ye keh raha hai ki jo dusre immigrants hain may not love you that much, ठीक है, दूसरे इमिग्रेंट्स जो है ना वो आपको इतना पसंद नहीं करेंगे। इवन द टर्क्स डोंट लाइक अदर टर्क्स आइदर। फिर उसने कहा कि जो हमारी कम्युनिटी है, यानी कि उसकी टर्किश कम्युनिटी है, दूसरे टर्किश एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते, और वो ये समझते हैं कि मोस्टली जो इमिग्रेंट्स हैं वो अनसक्सेसफुल हैं, वो अनएम्प्लॉयड, उनके पास नौकरियां नहीं है, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स हैं और वो नेटिव जर्मन्स नहीं है। तो इससे इंप्रेशन ये मिल रहा है इसका कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बेसिकली ये इससे इमेज निकल के आ रहा है इस पॉइंट से। तो अगर ये बात सही है कि इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करते, तो मैं जो आप लोगों के साथ अभी तक 250 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ,
ये फिर क्या है, ये सारी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ स्पेशली उर्दू हिंदी लैंग्वेज में देसी कम्युनिटी के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? फिर तो मैं, अगर इमिग्रेंट्स इमिग्रेंट्स को पसंद ही नहीं करते, क्योंकि मैं और आप हम सब इमिग्रेंट्स ही हैं ना, जो जर्मनी में आ गए हुए हैं या अभी आप लोग फ्यूचर में आने वाले हैं। मैं इमिग्रेंट हूँ, इमिग्रेंट से फिर मैं परमानेंट रेजिडेंट बना, फिर उससे नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से मैं अब सिटीजन बन चुका हूँ, लेकिन हूँ तो मैं आप लोगों की तरह इमिग्रेंट ही, जब एज एन, अगर इस कैटेगरी में देखा जाए। तो फिर मैं क्यों ये कर रहा हूँ? अगर यही रियलिटी है कि इमिग्रेंट्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये है कि सारे इमिग्रेंट्स एक जैसे नहीं होते, इसका ये मतलब है। क्योंकि मैं जो हूँ वो तो चाहता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाकी इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं, इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी मैंने सीखा है वो शेयर कर सकूँ, ताकि उनको भी उठा सकूँ और वो भी इस पाथ से कुछ गलतियाँ किए बगैर स्मूथली जो है वो तेज़ी से आगे निकल जाएं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और मैं तो ये नहीं देखता कि किस कंट्री से या किस नेशनैलिटी से कोई बंदा है, और मैं उसकी नेशनैलिटी देख के ये डिसाइड करूंगा कि मैंने उसकी हेल्प करनी है या नहीं। मैं तो ये वीडियोस, बल्कि मैं तो बनाई भी कुछ वीडियोस थी इंग्लिश में, लेकिन मुझे जो फीडबैक आप लोगों ने दिया कि नहीं नहीं यार, आप प्लीज़ उर्दू या हिंदी में ही वीडियोस बनाएं, क्योंकि वो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल है हमारे लिए। तो मैं मोस्टली सारी वीडियोस आप लोगों के लिए उर्दू और हिंदी में बनाता हूँ, इसीलिए, और वो इसलिए नहीं, जो भी दुनिया में उर्दू हिंदी समझता है, चाहे जिस मर्जी मुल्क से है वो, उससे तो मुझे कोई गर्ज नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हेल्प हो। अब मैं आपको लेकिन बताता हूँ कि ये इतना सिंपल नहीं है ये सारा, क्योंकि इसकी अच्छी साइड भी है और इसकी एक बुरी साइड भी है, जो वो ये मेंशन करना चाह रहा है। मैं अब उसकी दो एग्जांपल्स आपको देता हूँ और दोनों पर्सपेक्टिव्स दिखाता हूँ इस एग्जांपल के थ्रू, एक अच्छी एग्जांपल, एक बुरी एग्जांपल। अच्छी एग्जांपल ये कि मेरी एक दोस्त है जो कि यूक्रेन से है, और वो जब आई जर्मनी तो उस वक्त जब सोवियत यूनियन गिरा, तो बहुत सारे, क्योंकि यूक्रेन सोवियत यूनियन के अंदर था उस वक्त, तो बहुत सारे लोग जर्मनी जो है उन्होंने उस वक्त माइग्रेशन की। तो वो जर्मनी आई, उसने यहाँ से पढ़ाई की, उसने यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखी, फिर वो कंपनीज में गई, जॉब की और अभी तक जॉब कर रही है। और जब मैं उससे मिला तो हम दोनों ने अपनी स्टोरीज एक दूसरे के साथ शेयर की एज एन इमिग्रेंट एक्सपीरियंस, कि मैं भी आया, ऑल्दो कि हमारा बैकग्राउंड बहुत मुख्तलिफ है, मैं सोवियत यूनियन से नहीं, तो मैंने भी उसको यही स्टोरी बताई कि यार मैं आया यहाँ पे, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर इंटर्नशिप्स की, स्टूडेंट जॉब्स की, एग्जैक्टली वही उसका पैटर्न, फिर जर्मन लैंग्वेज सीखी, फिर एक कंपनी में गया, फिर दूसरी कंपनी में गया, फिर ये हुआ वो हुआ, ये रिएक्शन था कंपनीज़ में, ये लोगों का रिएक्शन था, ये एक जनरल एक्सपीरियंसेस मिले मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो एक इमिग्रेंट एक्सपीरियंस करता है। तो हमारी बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो बॉन्डिंग हो गई। ये मैं अच्छी एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये आप याद रखिएगा कि जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो आपके या तो बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बन सकते हैं या बन जाएंगे, या फिर वो आपके एनिमीज बन जाएंगे। ठीक है, कि इमिग्रेंट कैन बी आइदर योर बेस्ट फ्रेंड और ही और शी कुड बिकम द वर्स्ट एनिमी। एनिमी क्यों, उसकी मैं सेकेंड एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। तो पहली एग्जाम्पल ये कि दोनों के एक्सपीरियंसेस एक जैसे थे, जो फिर आप बहुत रिलेट करते हो एक दूसरे से, और ये आप जर्मनी में नोट भी करोगे जब आप यहाँ पे होगा, कि बहुत सारे कपल्स यहाँ पे ऐसे हैं जो बेसिकली दूसरे मुल्कों से हैं दोनों, और वो जर्मनी में आए और वो जर्मनी में मिले और वो एक साथ हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू कि कोई एक ही जगह पर अगर बॉर्न रेस्ड हुआ हो। तो ऐसी एग्जाम्पल आपको कई मिल जाती हैं बहुत ईजीली। तो ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल हो गई कि इस केस में ये इमिग्रेंट की टाइप जो है वो तो एक दूसरे को हेल्प ही करती है और सपोर्ट ही करती है। अब एक दूसरी एग्जाम्पल भी है इसकी, एक दूसरा पर्सपेक्टिव आप कह लें, कि मेरी एक दोस्त थी, एक्वेंटेंस आप कह लें, दोस्त तो प्रॉब्ली वो नहीं थी, वो भी सोवियत यूनियन से थी, उसका ताल्लुक रशिया से था, और वो मुझे मिली थी जब मैं एक दफ़ा स्टूडेंट जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे वो आई थिंक अपनी वो हाउस बिल्डिंग उसने स्टार्ट की थी अभी, और बड़ी उसकी इनिशियल फेज में वो थी। तो उससे जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे जो अपनी कहानी बताई, उसकी कहानी कुछ ऐसे थी कि वो रशिया से जर्मनी आए, और उस वक्त उसके उसकी उम्र जो थी वो 2 या 3 साल थी तकरीबन, उसके पेरेंट्स ने बेसिकली इमिग्रेट किया और वो साथ आई। तो 2 3 साल का बच्चा जो है वो तो बहुत ही छोटा होता है, और आप उसको ये कह सकते हैं कि वो एक तरह की बॉर्न एंड रेस्ड जर्मनी में ही थी, क्योंकि वो फिर जर्मन स्कूल में गई और किंडरगार्टन में गई, स्कूल में गई, उसने जर्मन लैंग्वेज नेटिव की तरह सीखी, और वो बेसिकली तो वो जर्मन ही है आप उसको कह रहे हैं, घर में उनका रशियन कल्चर और बाहर जो है वो जर्मन। ठीक है, ऐसी बहुत एग्जाम्पल्स है जर्मनी में।
उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ यूटिलाइज ही नहीं करवाई उस लड़की को, जिसके लिए बेसिकली जर्मनी नोन है कि यहाँ पे जो फ्री एजुकेशन है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कि अगर आप वाकई कुछ पोटेंशियल है आप में और आप यहाँ पे पैदा हुए हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो आप रियली अपनी फील्ड की टॉप पे जा सकते हैं। तो उसका एनवायरमेंट ऐसा था कि ना उसने अबिटूर कंप्लीट किया, अबिटूर के बाद ही आप जो है वो यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं बैचलर्स या मास्टर्स में, ना उसके पास जो है वो कोई यूनिवर्सिटी डिग्री है, ना उसने कोई हाउस बिल्डिंग की। उसने एक हाउस बिल्डिंग स्टार्ट की, छोड़ दी, वो आधी की हुई, उसको इंटरेस्ट नहीं रहा, उसने वो छोड़ दी। फिर उसने कोई वैसे ही वो और जॉब्स करती थी, फिर वो अनएम्प्लॉयड हो गई, फिर उसने दोबारा दूसरी हाउस बिल्डिंग शुरू की और वो उसके बिगिनिंग में थी। तो उससे जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे ये इंप्रेशन दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने ये मेंशन किया, उसने जब देखा मेरे जैसे लोगों से उसने मिली, फिर मेरे थ्रू ही और मेरी तरह के और लोगों से वो और हमारे दोस्तों से या और लोगों से मिली, तो उसको पता लगा कि यार ये तो एक बिल्कुल ही नई दुनिया है, क्योंकि ये लोग कोई इंजीनियर है, कोई जो है ये मास्टर्स डिग्री यहाँ पे कर रहा है, कोई यहाँ पे जो है वो पीएचडी कर रहा है, ये यहाँ पे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, उसके बाद ये यहाँ से गायब हो जाते हैं, उसके बाद ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, फिर ये जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, फिर इनको डिग्री मिल जाती है, फिर ये पीएचडी कर लेते हैं, इवन प्रोफेसर बन जाते हैं जर्मनी के अंदर। और मैं जो यहाँ पे पैदा ऑलमोस्ट हुई थी, यानी कि 2 साल की आई थी, और अभी तक मैं जो हूँ वो एक प्रॉपर डिग्री भी नहीं कर सकी, एक टेक्निकल डिप्लोमा भी नहीं कर सकी, हाउस बिल्डिंग भी नहीं कर सकी, बैचलर भी नहीं कर सकी। और ये लोग जो हैं ये दो दो तीन तीन चार चार इनको साल हुए हैं और ये कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो उसने मुझे एक दिन कहा कि यार वैसे जर्मन गवर्नमेंट को करना ऐसे चाहिए कि जो लोग जर्मनी में पहले से रह रहे हैं उनको थोड़ी जॉब में प्रेफरेंस देनी चाहिए। उसने मुझे ये कहा एक दिन। तो यानी कि ऐसे उसने कोई गुस्से से या टॉन्ट करके नहीं, उसने एक अपनी तरफ से एक बड़ी उसने मेच्योर किस्म की बात की कि यार बनता तो हमारा है क्योंकि हम पहले आए थे, तो तुम लोग तो अभी अभी नए नए आए हो। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस कैटेगरी के जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना वो फिर जेलस हो जाते हैं आप जैसे लोगों से, कि जब आप यहाँ पे आएंगे, आप लोग मास्टर्स करेंगे, आप अपने पीआर ले लेंगे, आप पासपोर्ट ले लेंगे, आपके पास जॉब होगी, हर चीज़ होगी, तो वो कहेंगे कि यार ये क्या। और फिर ये राइट विंग वाले ये कहलाता खानी है कि राइट विंग वाले जो है वो इसी तरह के लोगों को कैश करवाते हैं। तो अब ये तो पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही और है, इसके इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो दूसरे इमिग्रेंट्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो इसकी बात से जो है वो मैं एग्री करता हूँ इस पर्सपेक्टिव के हवाले से। तो इमिग्रेंट्स की मैंने कई वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर की है कि बहुत मुख्तलिफ किस्म के इमिग्रेंट्स आपको जर्मनी में मिल जाएंगे, मुख्तलिफ मुख्तलिफ रीजन से और मराहल से होते हुए वो जर्मनी में आए हैं। तो मोर और लेस मैं ये आप लोगों को कहूँगा जो आप जो हम लोग इससे सीख सकते हैं, जो मुझे लगता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप जर्मनी आएंगे तो यार प्लीज़ इस बात में मत जाना कि अपनी कंपनी जब आप चूज़ करेंगे कि इस नेशनैलिटी के साथ, क्योंकि ये मैंने अक्सर देखे कि ये भी एक चीज़ बेची जाती है कि भाई देसियों को कहते हैं कि देसी के पास मत जाना, देसी के साथ मत रखना, या अगर वो कोई जैसे ये कह रहा है टर्किश है तो टर्किश टर्किश के पास ना रहे, अपने लोगों के साथ मत जाना। इसमें जो है ना मैं इससे नहीं एग्री करूंगा इस बात से। आपने जो अपना सोशल सर्कल बनाना होगा जर्मनी में तो आप उन लोगों के साथ सोशल सर्कल बनाएं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट क्योंकि नेशनैलिटी क्या है या उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या आपके साथ मैच करती है या नहीं, क्या आप लोग एक दूसरे को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, कोई फायदा एक दूसरे को दे सकते हो या एक दूसरे से उठा सकते हो इन ए गुड सेंस, इन ए पॉजिटिव सेंस, कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, एक तरह का आपका गोल्स हैं, एक तरह के आपके विजन्स हैं, एक तरह के आप एम्बिशियस हो, कोई भी आप लोगों की कॉमनैलिटीज हैं, इस बेस पे आप अपने जो है वो दोस्त या सोशल सर्कल आपका आप उसको कह लो वो आप अपना सेलेक्ट करना जर्मनी के अंदर। अगर आप यही सिर्फ कहोगे कि नहीं या तो मैं कंप्लीटली अपनी कम्युनिटी में रहूंगा या मैं बिल्कुल इसके 360 ऑपोजिट चला जाऊंगा और अपनी कम्युनिटी में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, क्योंकि वो फिर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं सारे या पॉलिटिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, मैं बिल्कुल ही उनसे कट ऑफ हो जाऊंगा, ये दोनों ही बहुत एक्सट्रीम्स हैं। आपको अच्छे लोग अपनी कम्युनिटी में भी मिल जाएंगे जो हेल्प करने वाले होंगे आप लोगों के, मैंने जैसे एग्जाम्पल दी अपनी कि मैं ही तो कर तो रहा हूँ सब लोगों के साथ ये हेल्प ही है ना, मैं फुल टाइम जॉब तो नहीं है कर रहा, मुझे तो इससे क्या अभी तक बेनिफिट मिल रहा है, मैं तो अपना पर्सनल टाइम लगा रहा हूँ अपनी फुल टाइम जॉब के अलावा वीडियोज बनाने में, एडिट करने में, और 250 से ऊपर वीडियोज अभी तक बना दी। तो इस चीज को आप लोग देखना कि जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होगे तो कोई भी वो कंट्री का इमिग्रेंट हो सकता है, जो आपकी बायसेस हैं, हम सब की यार स्टीरियोटाइप्स होती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के बारे में, ठीक है, लेकिन जब आप आओगे यहाँ पे आप उनसे मिलोगे तो आपको मोर और लेस पता लग जाएगा कि हाँ यार एट द एंड ऑफ द डे सब एक ही हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को
इस चीज़ से बचा सकते हो। जैसे इसने कहा कि टर्क्स टर्क्स को पसंद नहीं करते, तो इंसान की इंडिविजुअलिटी के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर जाके उसको देखना, उसको परखना इस तरह से, और फिर अपना सोशल सर्कल बनाना। तो ये मेरा टेक होगा इस पॉइंट के ऊपर। जो पॉइंट मैंने आपको बताया था शुरू में डिस्कस करूंगा, वो है इमिग्रेशन ऑफिसर्स वाला। इस पॉइंट के अंदर इसने कहा है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, दे ट्रीट यू लाइक अ रियल पीस ऑफ शिट। ये एक काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट है। इसके ऊपर नेक्स्ट जो मेरी एपिसोड होगी इस थ्रेड की, उसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा और मैं आप लोगों को अपना रिएक्शन और अपना ओपिनियन उसके ऊपर दूंगा। इस वीडियो के अंदर अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आप लोगों का क्वेश्चन है या कोई आप चीज़ शेयर करना चाहते हैं जर्मनी के हवाले से, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो इंस्टाग्राम फैमिली है उसको भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं डेली इंस्टाग्राम के ऊपर भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें लाइफ इन जर्मनी के हवाले से भी शेयर करता रहता हूँ, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। लिंक आपको इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।